हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। वो आपका क्या है, वैद्युत धुरु के कारण है ना, वैद्युत विभव निकालना सीखेंगे। और इस चैप्टर में हम विभव परिवर्तनता, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेंगे। और भी हम बहुत सारे, मतलब जब किसी एक आवेशित कण को है ना किसी वैद्युत क्षेत्र में छोड़ा जाए, ठीक है, तो उसका पाथ कैसा होगा, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। विभव परिवर्तनता और वैद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशन होता है ना, ये प्रूव करेंगे। और इस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल। तो आपको है ना इस पूरे वीडियो में थ्योरी के साथ साथ सारे न्यूमेरिकल जो कठिन से कठिन हो सकते हैं वो सारे सॉल्व किए जाएंगे। तो चलो बिना किसी है ना देरी के बात करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, एक वैद्युत विभव है। आपको पता है वैद्युत विभव हमें निकालना होता है तो बहुत आसान होता है। ऊपर आवेश लिखते हैं, नीचे दूरी से डिवाइड कर देते हैं, गुणा काय का होता है उसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट का होता है। अब यार देखो ऐसे मजा नहीं आने वाला है, जब तक आप है ना मन से लगन से मेहनत नहीं करोगे तब तक मजा आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी से है ना हिम्मत बांध लो, सफर तो बहुत दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस सफर को हम प्राप्त ना कर सकें। अगर ठान लिया ना मन से दिल से तो जीत पक्की है, अगर मन से ही हार गए ना तो समझ जाओ मर गए, ठीक है। तो हमारे साथ अगर आप जुड़े हो ना तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे लेवल पर जाओगे, है ना, बढ़िया से बढ़िया एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे। बट उसके लिए एक चीज इम्पोर्टेंट है, धैर्य, मेहनत, ठीक है, बहुत कठिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या है, बोलो बोलो, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास द्विध्रुव है, द्विध्रुव में हम दो केस करते हैं, याद है कि नहीं याद है, एक अच्छे स्थिति एक निरक्षीय स्थिति। तो अभी जो हम बात करेंगे है ना वो हम किसके लिए बात करेंगे, अच्छी स्थिति के लिए, ठीक है। किस स्थिति के लिए भाई साहब, बोलो बोलो, अच्छी स्थिति के लिए, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है भाई अच्छी स्थिति के लिए, है ना, क्या होगा। तो देखो यार मेहनत तो आपको खूब करना है, ठीक है। हाँ हमारे देखो इसको करने के लिए है ना हमारे पास सबसे पहले नंबर क्या होना चाहिए, एक वैद्युत ध्रुव। हम कहेंगे लो बना लिया, एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस का क्यू आवेश है, ये 2L दूरी पर रखे हुए हैं। तो देखो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है, ये बिंदु A है, ये B है। मान लीजिए K पर आवेशितांक माध्यम में रखे हैं, इसके मध्य बिंदु O से है ना अच्छे स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है ना, वहां पर आपको विभव निकालना है। वहां पे क्या निकालना है, विभव। तो यार विभव खुद कहता है कि सर अगर आपको विभव निकालना है ना तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, 1/ε0 क्यू अपान कितना आर, आवेश बटे दूरी, यही तो बोल रहा था। हाँ तो आपको है ना ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो हम सबसे पहले नंबर देखो आवेश और उनके बीच की दूरी चाहिए, क्या इनके बीच की दूरी है, तो हमारे पास इनके बीच की दूरी है ना हमने मान रखा है कितना है आर, ठीक है। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, देखो भैया ये है आपका आर, ये है स्मॉल एल, ठीक है। तो ये कितना होगा, आप कहेंगे सर बड़ी वाली दूरी में से छोटा वाला माइनस कर दो, ये आपका होगा, ठीक है। अब इसके बाद है ना देखो इतना तो है, यहाँ तक आना है तो एक्स्ट्रा और चलना पड़ेगा कितना एल, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा आर प्लस एल, ठीक है। जब इसकी बात होगी तो दूरी ये वाली रखी जाएगी, इसकी बात होगी तो दूरी ये वाली रखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। हमारे पास है ना प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे मैंने लिख दिया है। माना एक हमारे पास ये भी वैद्युत ध्रुव है, ठीक है, जिसमें माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु ओ से अच्छे स्थिति में है ना आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पे हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। तो ये वाली दूरी बी पी जो है ना, बी पी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है आर माइनस एल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ए पी की दूरी कितनी है, ए पी बोलो ना आर प्लस कितना होगा एल। अच्छा सर बात ये है, और क्या अगर हम और आगे देखना चाहें, यहाँ से विभव निकालें प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण है ना बिंदु पी पर है ना वैद्युत विभव। अगर आपको थोड़ा स्पीड में देखना तो आप स्पीड बढ़ा के देख लिया करो, है ना, प्लस
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। भैया ठीक है, हमें क्या निकालना है, विभव प्लस क्यू आवेश के कारण, तो ये बी वन आएगा, वन अपान क्या, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यों किस माध्यम में रखा है, के क्यू अपान कितना बोलो ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी आर माइनस एल, ठीक है आपका ये बी वन हो गया। ऐसे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण है ना बिंदु पी पर विभव, ये जो विभव आएगा इसको हम लेके चलते हैं बी टू, क्या लेके चलते हैं बी टू, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के है ना, यहाँ पे क्या होगा क्यू अपान, भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, आर प्लस क्या लेंगे एल, लेकिन यहाँ पे कौन सा आवेश है बोलो, माइनस का, तो इसका विभव भी कैसा होगा, माइनस का होगा, तो ये वाला जो माइनस है ना हम इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, ठीक है इस माइनस से बोल देते हैं तू आगे आ जा, ठीक है इस माइनस को आगे लगा लेते हैं, ये आपका क्यू है, ठीक है जनाब। हाँ अब हम कहेंगे कुल विभव अगर निकालना है, क्या निकालना है कुल विभव, ठीक है कुल विभव आप कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर देखो बात ऐसी है, एक विभव है ना इसके वजह से यहाँ पे आया, और एक विभव है ना बी टू इसके वजह से यहाँ पर आया, इसके वजह से यहाँ पे बी टू आया, इसके वजह से बी वन यहाँ पे आया, कुल निकालना है तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे, अदिश राशि है ना डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, बी वन प्लस बी टू, बी वन की वैल्यू ये है वन अपान फोर पाई एफ साइलेंट के इंटू क्यू अपान कितना आर माइनस एल, ठीक है यहाँ पे हम रखते हैं बी टू की वैल्यू, आओ रखो वन अपान फोर पाई एफ साइलेंट नॉट के क्यू अपान कितना आर प्लस एल, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे जो भी कॉमन है ना वो सब चीज़ें बाहर कर लीजिए, वन अपान फोर पाई एफ साइलेंट नॉट के, ठीक है और ये नीचे बचेगा आर माइनस एल, ठीक है और यहाँ पे क्या होगा आर प्लस एल, ठीक है एक ब्रैकेट बंद, ठीक है अब इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए है ना। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे, v इक्वल टू क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है भाई। अब उसके बाद देखो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का नीचे, इसका गुणा इसमें होगा r प्लस एल। देखो जब भी माइनस आपके जिंदगी में आए ठीक है उससे थोड़ा डरा करें, बोल दें ब्रैकेट पहले नहीं हटाएंगे, पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा r माइनस एल, ठीक है और नीचे देखो एक में a माइनस बी, एक में a प्लस बी है, ठीक है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है ये है आपका। अब आगे बात करें, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है साइन से, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखो यार बहुत गर्मी है बहुत, अब मुझे देख लो भीग गया हूँ, ठीक है माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आर और यहाँ पे क्या होगा प्लस एल, ठीक है नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा देखो आर से आर कट गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड हो करके कुछ बना देंगे, ये क्या बनाएंगे b इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है इस q को ये जो l और l ऐड हो जाएंगे, l और l ऐड कर लेंगे है ना, q इंटू कितना होगा 2l, जोड़ लीजिए है ना, नीचे आपका क्या होगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ठीक। अच्छा बताओ ये कुछ चमका कि नहीं चमका, अरे सर यही तो p होता था, यही क्या होता था p, अरे वाह q इंटू कितना 2l, ठीक है तो इसकी जगह p छापेंगे, क्या छापेंगे p, v इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट k, ठीक है ये आपका हो गया p, नीचे आपका होगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ठीक है एक तो ये फॉर्मूला गया, ये वो ओरिजिनल वाला है, अगर कंडीशन डाल दिया जाए r अगर ज़्यादा है किससे l से, तो l को हम क्या करेंगे छोड़ने पर, छोड़ने पर है ना, कुछ जगह लिख देते हैं जीरो के ले लेते हैं करीब में, ठीक है तो जीरो नहीं लेंगे, यहाँ पर आप देखिए वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक पी अपान कितना इसको छोड़ दो, नीचे क्या आया आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब पूरा तो आपका कांस्टेंट है, जो वी है ना वो डिपेंड किस पर कर रहा है वन अपान आर स्क्वायर पर, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है वी अनुक्रमानुपाती वन अपान आर, ठीक है ये वी है तो ये आपका क्या है आर, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है तो ऐसे ही करना होता है यार डेरिवेशन, ठीक है अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो दिख रहा है नहीं दिख रहा है,
ले, अब इससे छोटा नहीं करूंगा नहीं तो तुम्हारे मोबाइल में नहीं दिखाई देगा। दिख रहा है, चमक रहा है। हाँ तो अगर मंजिल हासिल ना हो तो रास्ते मत बदलो, ठीक है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके देखो। ये नहीं है कि भाई अभी आपने क्या किया, मैथ ले लिया या बायो ले लिया, फिर बाद में आप क्या कह रहे हो हम कॉमर्स लेंगे। अरे उसमें सॉल्यूशन निकालो ना, कोशिश करो। अगर आपने सोचा है कि हमें डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना है तो कुछ ना कुछ तो हमें सोचना ही पड़ेगा। हटा दूं? देखो आप हमेशा काम अपना हो ना अपने मन से किया करो, ठीक है, पूरे मन से, ठीक है। हाँ, किसी वैद्युत ध्रुव की निरक्षी अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव, तो हमारे पास क्या लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। हो जी, तो माना एक हमारे पास ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसमें माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश स्थित हैं, उनके बीच की दूरी 2L है, उनके मध्य बिंदु ओ से अक्ष के लंबवत है ना आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर आपको विभव की गणना करनी है। अभी जो बोला वो लिख लेना, ठीक है। तो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ना ए बी है और इनके बीच की दूरी कितनी है, एल है, 2L है, और एक पर आवेश माइनस का है, एक पर आवेश कैसा है, प्लस का है। इसके मध्य बिंदु ओ से है ना आर दूरी पर एक पॉइंट क्या है, पी, जहां पर आपको क्या निकालना है, वैद्युत विभव। क्या निकालना है, वैद्युत विभव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली दूरी हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि ना तो ये दूरी जरूरत है ना ये, पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आओ अभी यहाँ पी पॉइंट पर बात करते हैं, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण कारण वैद्युत विभव। अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कितना रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये है जनाब, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट और हम बात करें आपसे, माइनस क्यू आवेश के कारण अगर हम बात करें तो बी टू जो आएगा यही सेम चीज माइनस का होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, ये अलग चीज है, आर स्क्वायर प्लस कितना होगा एल स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर। अब भाई साहब देखो अगर कुल विभव निकालना है ना, क्या निकालना है, कुल विभव, तो कुल विभव निकालने के लिए हम करते क्या है ना, सभी विभव को ऐड कर लेते हैं, बी वन प्लस बी टू, दुनिया को बता दो हमें विभव को क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। आ जाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपान रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस लगाएंगे क्योंकि बी टू माइनस का है ना आवेश इसका नेगेटिव था। अच्छा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपान कितना रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देखो खचाक खचाक सब घट गए, घट करके क्या आ गया, 0। तो आज के बाद आपको याद रखना है निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है, 0। एग्जाम में पूछा जाएगा बताइए वो कौन सी स्थिति होती है जहां पर विभव का मान क्या होता है, 0। आपसे पूछा जाएगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है द्विध्रुव के कारण, आप क्या कहेंगे, सर 0 होता है, क्या होता है, 0, क्या होता है, 0, ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, आगे हम बढ़ते हैं, यार मजा आएगा पढ़ने में, ऐसे थोड़ी है, हाँ बस आप है ना बढ़िया से कायदे से है ना नोट्स बना लेना, मजा आ जाएगा। दो एक बात बताऊं, होता है ना एक छोटे मन से, ठीक है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है, ठीक है, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। नहीं आया समझ में, फिर से बोलूं, नहीं बोल रहा हाँ देखो समझो, अरे यार यही बोल रहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है, ठीक है, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो पाता है, ध्यान रखना अपने लाइफ में। तो आपको अगर है ना आगे बढ़ना है तो अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आज जो मैं ये पढ़ रहा हूँ ना, क्या हम आगे चल के इसका रिवीजन करेंगे, अगर आपके अंदर ये विश्वास नहीं है तो आप बंद कर दो पढ़ना, ठीक है, लग जाओ किसी ऐसे काम में, रिक्शा चलाओ, ठीक है, फिर समझ में आएगा,
पढ़ने में और इसमें कितना मेहनत होता है। मेहनत दोनों में होता है टक्कर का, बस वहाँ पे फिजिकली होता है, यहाँ दिमागी होता है। अगर आप दिमागी क्लियर हो गए ना, तो हजारों को आप ऐसे भीड़ में लगा सकते हो, आप उनसे है ना हर काम करा सकते हो। जरूरी थोड़ी है रिक्शा चलाओ, और भी कुछ बढ़िया बढ़िया काम करा लो। ठीक है, आप में ही से तो कोई जाएगा गूगल से ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट से ऊपर, एलन मस्क से ऊपर। भाई आपके अंदर ये टैलेंट है, आप समझो अपनी है ना, अपने स्ट्रेंथ को पकड़ो और आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं विभव प्रवणता। ठीक है, ये विभव प्रवणता क्या होती है, इसको हम देखते हैं क्या होता है। ऐसा होता है यार, कुछ लड़के तो ऐसे बर्बाद हो जाते हैं कि जैसे 11th 12th में आते हैं, तब उनका नशा पानी सब चालू हो जाता है, अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि 2-3 साल के बाद फिर वो सोचते हैं, मैंने जो अपने लिए किया बहुत बुरा किया। ठीक है, तो वो नौबत ना आए। ठीक है, हाँ समझा रहा हूँ आपको। हमारे पास क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है। अगर आप वैद्युत क्षेत्र में जाएं, ठीक है, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए विभव परिवर्तन कितना है, डेल्टा बी है, और ये दूरी कितना है, डेल्टा एक्स। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ, ठीक है, दूरी के सापेक्ष बोल दो, विभव में हुए परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि जो आपका विभव प्रवणता होता है, विभव प्रवणता, देखिए प्रवणता का मतलब आप ध्यान रखिए, जो आगे नाम लिखा हो उसी में दूरी से भाग कर देना है, उसी में दूरी से क्या कर देना, भाग। ठीक है, तो विभव है तो पहले विभव ले लो, विभव परिवर्तन हो गया बटे दूरी, यही आपका क्या है, विभव प्रवणता है। ऐसा होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं तो विभव का मान घटता है, इसलिए माइनस का शो करेंगे। काय का शो करेंगे, माइनस का। ठीक है, अच्छा इसका मात्रक अगर हम देखें, मात्रक तो बी का मात्रक क्या होगा, बोल्ट। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। क्या होगा, मीटर। अब इसका बीमा उमा भी हम निकाल लेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। अब हम एक और नया हेडिंग इसी का करने जा रहे हैं, अलग नहीं है, विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, चलो भाई आओ। ये आपके पास एक वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका बी है, ये आपका ए है। ठीक है, एक किसी चार्ज को है ना कहते हैं कि भाई तू है ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ये कहेगा सर देखो हमारे ऊपर तो बल लग जाएगा अगर हम वैद्युत क्षेत्र में हैं, कितना लगेगा, क्यू नॉट इंटू ई। अब इसे कहेंगे तू चल, तू चल है ना इधर, यहाँ से यहाँ तक आ, तो ये कार्य कर जाएगा कितना बोलो, डब्लू करने वाला है। भाई छोटा सा अगर डिस्टेंस चलाते हैं, डेल्टा एक्स अगर चलाते हैं, तो ये डेल्टा डब्लू कार्य करने वाला है। अच्छा, तो यहाँ पे जो आपका वैद्युत बल है, वैद्युत बल, ठीक है, वो एफ बराबर कितना है, क्यू इंटू ई है। क्या है भाई, क्यू इंटू ई। अब आगे नेक्स्ट, अगर हम कार की बात करें, यदि वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विरुद्ध, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू कार्य किया जाए डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित करके। ठीक है, अरे यार कुछ नहीं है, बस हमने बोल दिया भाई हमें कार चाहिए, तो कार कहता है कि सर बल तो है तुम्हारे पास, विस्थापन ले आओ कहीं से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम ले जाएंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्य होगा, कार्य बराबर आप जानते हैं बल इंटू क्या होता है, विस्थापन, बल इंटू क्या होता है, विस्थापन। ठीक है भाई, तो कार का मतलब कितना, डेल्टा डब्लू। ठीक है, बल आपका क्या है, क्यू इंटू ई, और यहाँ पे विस्थापन क्या होगा, माइनस के डेल्टा एक्स। देखो ऐसा है, माइनस क्यों लिया, क्योंकि बल इधर लग रहा है, विस्थापन उधर हो रहा है, दिशाएं विपरीत है इसलिए माइनस, मतलब बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, ये इधर ही तो जा रहा है, बल के विपरीत दिशा में, तो आपका कार्य निगेटिव होता है। तो अगर दोनों की दिशाएं समान हो, ठीक है, तो प्लस का होता है। अच्छा एक चीज आपको याद है, डेल्टा डब्ल्यू बराबर, ठीक है, डेल्टा वी ना ना ना, डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओपन क्या पढ़ाया था, क्यू, डी या डब्ल्यू ओपन क्यू पढ़ाया था, है ना। अगर डेल्टा डब्ल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट इंटू कितना, डेल्टा वी, उड़ा के मान यहीं पे रख दो है ना, डेल्टा क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी इक्वल टू,
ठीक है, क्यू इंटू ई इंटू डेल्टा माइनस के डेल्टा एक्स, माइनस आगे लिख देते हैं, क्यू से क्यू कट गया, ई का मान निकाल लो यहाँ से, ठीक है, ई का मान निकालोगे तो ये इंटू में है और माइनस है, सब उधर पे दो पल्लंग, ठीक है, तो ई आपका जो आएगा माइनस के डेल्टा वी अपान कितना होगा, डेल्टा एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है, मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, सही है, मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के क्या होती है, बराबर। मतलब एक चीज समझ में आया, अगर आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे, खचाक जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका विभव घटेगा, विभव क्या होगा, घटेगा, माइनस का मतलब यही होता है, ठीक है, विभव क्या होने वाला, घटने वाला है। अच्छा सर, घटेगा, हाँ, घटेगा, और क्या, ये छाप लो, ऋणात्मक का मतलब यही है, ठीक है। अब इनके मात्र, अब एक और मात्र के यहाँ से समझ में आया ना, ई का मात्र वोल्ट पर मीटर बोला था ना पहले वाले चैप्टर में, ये आपको समझ में आएगा थर्ड चैप्टर में, हाँ, तो यहाँ से क्लियर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो उसका जो मात्रक है, ऊपर वोल्ट है, नीचे क्या है, दूरी, तो वोल्ट पर मीटर, जो इसका बीमा होगा वही इसका बीमा होगा, तो बीमा उमा तो हम पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं, सेम ऐसे ही छाप देंगे, ठीक है। हाँ, ना ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान, हटा दो इसको, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। तो भाई आपको ऐसे ही अंदर, अपने अंदर है ना तूफान है ना उठाना है, नहीं तो अगर तुम्हारा तूफान थम गया ना तो मजा नहीं आएगा। हाँ, तो इसको नोट कर लो, नोट कर लिया, चाहत न होती मोहब्बत न होता, अरे सर क्या कह रहे हो, हाँ संभव पृष्ठ की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, वो चाहत और मोहब्बत सब यहीं पर है, बस आप ध्यान से देखो, प्यार से, ठीक है, सब चीज आपको मिलेगा यहाँ पर, बस आप है ना बढ़िया से कर दे रहे हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आप, संविभव पृष्ठ, तो देखिए कोई एक आवेश है, इससे है ना ऐसे बल रेखाएं चारों तरफ ऐसे निकलेंगी, बोलो यार निकलेंगे कि नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो यस सर बोलो, ठीक है। और जो भी मैं गाना गा रहा था ना, किस मूवी का था ये बताओ कमेंट बॉक्स में, अरे जे मत करो यार तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, यही करेंगे, ये सब नहीं करना होता है, ठीक है, ऐसे मजाक कर रहा था। अच्छा मजाक, मुझसे मजाक, हाँ, अरे देखो यार यहाँ पे आओ समझते हैं अब, संविभव पृष्ठ क्या होता है, कहता है कि सर वैद्युत क्षेत्र में जो भाई आवेश है इसके चारों तरफ क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो, ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं, संविभव पृष्ठ कहते हैं। अरे वाह सर, बहुत ही गजब बताए आप, हाँ और क्या, तो देखो ये आवेश है आपका, ठीक है, और ये आवेश है, क्या है, आवेश, ठीक है, और इस आवेश से है ना एक हमने पृष्ठ ऐसे काटा कि यहाँ से बल रेखाएं जो है लंबवत गुजर रही हैं और प्रत्येक बिंदु पर जो है विभव, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, हर बिंदु पर विभव का मान बराबर है, बी ए बराबर बी बी बराबर बी सी, सो तो अगर आप विभव, अगर विभव बराबर है इस पृष्ठ पर तो विभवांतर का मान क्या आएगा, जीरो, अगर विभवांतर जीरो होगा तो कार्य का मान भी क्या होगा, जीरो, ठीक है, और जो बल रेखाएं होती है ना, बल रेखाएं, ठीक है, पृष्ठ से लंबवत गुजरती हैं, पृष्ठ से लंबवत, लंबवत गुजरती हैं, गुजरती हैं, ठीक है, देखो ये सब चीजें समझना होता है, फील करना होता है। हाँ, आई होप आपको यह समझ में आया है, तो
तो भाई मेहनत जरूरी है। यहाँ पे ये लिख लेना और यहाँ पे लिख लेना गुण, ठीक है। गुण में क्या लिखोगे? प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, विभवांतर शून्य होता है, अथाकार भी क्या होता है? शून्य होता है। और बल रेखाएं जो होती हैं पृष्ठ से कैसे गुजरती हैं? लंबवत समविभव पृष्ठ पर, ठीक है। पहचानने का तरीका है। आगे देखो, इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक ऐसे प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट है, ठीक है। अब ये पृष्ठ है मान लीजिए, है ना। इसको ला करके यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर अगर देखा जाए हर जगह है ना, ये सारे के सारे बिंदु इसी पृष्ठ में है ना, ये सारे के सारे बिंदु है ना इसी पृष्ठ में है ना। तो यहाँ पे यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, यहाँ का विभव क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। ये है ऐसा कुछ, ये जा रही ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, हर जगह का विभव क्या होगा? समान होगा। बी ए बराबर बी बी बराबर बी सी, यहाँ से आओ यहाँ, यहाँ से यहाँ आओ, है ना। चाहे ए पे पहुंच जाओ चाहे यहाँ तक आओ, जो वर्क होगा वो आपका क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। समझ में आया ना? हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज और बताना था, ठीक है। मतलब जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे केवल न्यूमेरिकल के लिए, नोट पॉइंट में, ठीक है। ई जो है ना, आप देखो ध्यान से, माइनस के डेल्टा की जगह अगर मैं डी लिख दूं और नीचे डीएक्स लिख दूं, तो ध्यान से देखो कुछ दिख रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले आप डिफरेंशिएशन करो वोल्टेज का, ठीक है, और वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अगर डायरेक्शन पता है तो वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं अवकलन कर देंगे विभव का, तो हमें क्या मिल जाएगा? वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। मान लीजिए हमारे पास क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई एक आवेश को है ना छोड़ा गया है, ठीक है। अब बताना भाई उसकी आवेशित कण की गति, गति के बारे में बताना, स्पीड, स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते क्या हैं? यदि किसी क्यू आवेश को बी वोल्ट देकर त्वरित किया जाता है, तब इसकी जो ऊर्जा होगी है ना, डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू कितनी होगी बताना? डेल्टा बी होगी। अच्छा, यदि गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा के बराबर कितना हो? हाफ एम बी स्क्वायर। एम क्या है? द्रव्यमान है। वी क्या है? वेग है। तो भाई दोनों ये ऊर्जाएं आपस में बराबर होंगी, कर देंगे बराबर, ठीक है। के बराबर होगा डब्ल्यू के, के का मान ये रखो, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्यू इंटू कितना लिख सकते हैं? डेल्टा वी। इसका गुणा इधर कर दो, एम को नीचे भेज दो, वी स्क्वायर बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी, आगे टू लिख दो, नीचे क्या आ जाएगा? एम, गुणा में है ना। अगर आप बी निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा? रूट के अंदर टू क्यू डेल्टा वी अपान कितना? एम। तो इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं? किसी आवेशित कण की क्या निकाल सकते हैं? वेग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वेग। हटा दूं इसे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं आपसे बात करते हुए, ठीक है। हाँ भाई, अब क्या आया? एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ मान लीजिए आप, ठीक है। क्या मानना है बोलो? मान लो ये प्लस, ये माइनस, माइनस आवेश है ऊपर, ठीक है, और नीचे आपके प्लस प्लस आवेश है। तो बताओ वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? ऐसे ऊपर की ओर होगी, ठीक है, ऐसे ऊपर की ओर है। और ये जो वैद्युत क्षेत्र है ना, वो एक समान रूप से कितना? ई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक आवेश है, एक क्या है? आवेश। इसको है ना वी स्पीड से एंटर कराते हैं यहाँ पर। ये अभी एक्स अक्ष इस दिशा में है ना, कितने स्पीड से एंटर करता है? वी से, ठीक है। तो हमें ये बताना है, जब ये आया तो देखा गया एक्सपेरिमेंट में ये ऐसे गया, तो इस पाथ का इक्वेशन बताना है, किसका पाथ है ये, ठीक है। तो देखो एक्स अक्ष के अलोंग कितना चलाया? एक्स। वाई अक्ष के अलोंग कितना चलाया? वाई। तो वाई और एक्स में रिलेशन बताना है। मान लीजिए पॉइंट कोई पी है माना। अच्छा एक चीज देखना, जब ये ऐसे ऐसे एंटर किया था ना, तो वाई अक्ष के अलोंग कोई स्पीड था? नहीं था ना, तो जीरो है। माना कोई आवेशित कण जिस पर
पर क्यू आवेश आवेश तथा वेग वी से एक्स अक्ष के अनुदिश प्रवेश करता है, क्या करता है, प्रवेश करता है। माना कोई आवेशित कण है ना, जिस पर क्यू आवेश तथा वी वेग से एक्स अक्ष के अनुदिश प्रवेश करता है, तब बिंदु पी पर पहुंचने में लगा समय स्मॉल टी हो, समय कितना हो, स्मॉल टी हो, तब देखो गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस क्या होता है at, प्रारंभिक देखो अंतिम वेग आपका क्या है, यहाँ पे अंतिम वेग की बात करें भाई, देखो ये ऐसे चला आया खटाखट, ठीक है, तो जो वेग था उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, जो त्वरण तो इधर है ही नहीं, त्वरण का मान क्या है, जीरो, तो आप जानते हैं v बराबर क्या होता है, s अपॉन t, ठीक है, तो b का मान यहाँ पे कितना होगा, कितने वेग से आया था, v से s, s का मतलब विस्थापन, यहाँ पे लिख लेते हैं s का मतलब विस्थापन, कितना चल गया x, समय कितना लगा t, तो इस b को नीचे भेज दो, t को उधर ले जाओ, तो t इक्वल टू x अपॉन कितना ना आया, बोलो v आया, ठीक है। अब ये t की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी, देखेंगे समय में कण y अक्ष के अनुदिश y दूरी विस्थापित होता है, ठीक है, अगर y दूरी विस्थापित होता है ना, तो यहाँ पर आपका जो होगा विस्थापन, आप जानते हैं द्वितीय समीकरण से s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा त्वरण होगा वाई एच के अलोंग होगा, और स्पीड भी वाई के अलोंग चाहिए, विस्थापन भी वाई के अलोंग चाहिए, तो बताओ ये कितना होगा, वाई के अलोंग, वाई विस्थापन हुआ, प्रारंभिक वेग कुछ नहीं था, कितना था, जीरो, ये भी जीरो हो गया, हाफ ए का मान, ए का मान बताना है, ए का मान, अब ए का मान कैसे आएगा, ठीक है, देखो ये क्यू आवेश है ना, तो इस पर बल तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, तो जो बल होगा ना, बल यहाँ पे साइड में निकाल लूँ, बल F बराबर कितना होगा, एम ए, तो एम इंटू ए, और यहाँ पे बल कितना लगने वाला है इस पर, Q इंटू कितना, E, ठीक है, तो A बराबर कितना आएगा, Q E अपन कितना, M, ये चीज़ है ना ऊपर लिख लेते ज़्यादा अच्छा रहता, यहाँ पे A की जगह रख देंगे, Q E अपन कितना, M, और T की जगह ये वाला मान रख देते हैं, एक्स स्क्वायर अपन कितना, वी स्क्वायर, तो ध्यान से देखो आप, वाई बराबर हाफ क्यू ई अपान एम बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये देखा जाए वाई बराबर फोर ए एक्स स्क्वायर टाइप का है, ठीक है, ये जो समीकरण है अभी जो हमने लिखा है, ठीक है, ये तो किसका है, पैराबोला का है, वाई बराबर फोर ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो आप वाई स्क्वायर स्क्वायर टू फोर ए एक्स, ये वाला जो ग्राफ होता है वो किसका होता है, पैराबोला का होता है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब एक साइड में सिंगल पावर एक साइड में डबल पावर हो, और द्विघात समीकरण बन जाए, तो ध्यान रखें उसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है, अतः आवेशित आवेशित कण का पथ परवलयाकार परवलयाकार होगा, ठीक है, तो इससे यही होता है, अगर आपको निकालना है कितना दूरी है विस्थापित हो जाएगा, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, देखो तो बहुत विकल्प मिलेंगे आपको भटकाने के लिए, लेकिन एक ही विकल्प चुन लो जो आपको सही मार्ग पर ले जा सकता है, ठीक है, तो भाई यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आपसे और कुछ जरूरी बात करते हैं, देखो तो हमारे पास क्या है, एक नलिका है, उसमें कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर कितना लगाया जाता है, बोलो 220 किलो वोल्ट लगाया जाता है, किलो का मतलब 10³ वोल्ट है ना, मैंने डायरेक्ट चेंज कर लिया, उनके बीच कितना दूरी है, डेल्टा एक्स 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, -2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, ई बराबर डेल्टा वी अपान कितना, डेल्टा एक्स। बताओ आंसर आएगा कि नहीं आएगा, यही तो हमने संबंध पढ़ा था। तो डेल्टा वी का मान 200 इंटू 10 के पावर 3 बटे कितना, 20 इंटू 10 के पावर -2, ये कट जाएंगे 10 बार, ये जुड़े जो गुणा होगा 10 के पावर कितना होगा 4, और नीचे 10 के पावर -2, ये ऊपर जा करके ऐड हो जाएंगे 10 के पावर 6। ठीक है, इतना न्यूटन या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर आंसर आएगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, कह रहा है बी बराबर 2x² है, 2x² है, फिर कह रहा है 102 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। अभी आपको बताया, अगर आपको पता है ना v का फंक्शन ऑफ इसके फॉर्म में, तो आप dv अपॉन क्या निकाल लेंगे, dx। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर लेंगे इस फंक्शन x के सापेक्ष, तो यही आपका क्या बन जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाएगी। ठीक है, और ये कुछ नया मिल जाएगा मुझे। ठीक है, वैसे सेम ऐसे इसका करना है। चलो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, देखो जैसे अवकलन नहीं आता तो थोड़ा एक बार फिर से YouTube पर है ना सर्च कर लेंगे अवकलन कैसे करते हैं, है ना, 1 मिनट का वीडियो देख लेना, सब पता चल जाएगा। देखो ऐसा होता है, 1 मिनट चलो मैं बता दे रहा हूँ, अगर अवकलन करना होता है ना, तो पावर में एक्स पावर एन इंटू पावर में, मान लीजिए एक्स पावर एन है, तो होता क्या है, ये एन आगे गुणा कर देता है, उन्हीं में से एक माइनस हो जाता है। जैसे एक्स पावर मान लीजिए 3 है, तो ये आगे गुणा होगा, ठीक है, 3x, उसमें से एक माइनस हो जाएगा 2, ऐसे यहाँ पे करना है। डी बी अपान कितना होगा, डी एक्स, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा 4, और पावर में एक कम कर दो 4x। क्या इसी का नाम वैद्युत क्षेत्र है, 4 इंटू कितना x, 4 इंटू क्या x, ये वैद्युत क्षेत्र आ गया। कितने बिंदु पर निकालना था, 0.1, 1.0.2 पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, रख दो मान, भाई एक्स ही है, वाई और जेड तो है ही नहीं, तो जो आपका आएगा 1.0.2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड, 4 × x का मान 1 है, बराबर कितना है 4 न्यूटन पर कूलाम, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हाँ, अब एक और चीज देखो, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन ऐसा है कि मान लीजिए ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहाँ पे कोई एक आवेश क्यू है जो लटका हुआ है, इसका मतलब इसका एम जी नीचे काम कर रहा था और वैद्युत बल ऊपर काम कर रहा था। ठीक है, कितना है, एफ बराबर क्यू ई, तो ये दोनों आपस में बराबर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा, एम जी के, एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू ई, बराबर क्या लिख सकते हैं, एम जी, ई का मान निकाल लो यहाँ से, कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी निकालना होगा, एम जी अपन कितना क्यू, मतलब इस तरह से करने का तरीका होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मिलेंगे आपसे एक नए लेक्चर में, बस उस चैप्टर में, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उस लेक्चर में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सब चीज़ें। अब आप है ना खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हाँ।